गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में और खुदाई में उनका किस किस क्रम में क्या क्या चीज़ें हमें मिली हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन हम करेंगे। तो बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज सन 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई थी। इसकी वर्तमान स्थिति है ये पाकिस्तान देश के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। यानी कि सन 1921 में दयाराम साहनी जी ने इसे खोजा, तब ये भारत अखंड भारत का हिस्सा था, तो इसकी खोज भारत में ही की गई है और वर्तमान में ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। अब हड़प्पा जो शहर है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा शहर है, उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं थी, क्या क्या वहां से मिला, आइए देखते हैं। 6 विशाल अन्नागार प्राप्त हुए हैं। कांसा गलाने का पात्र प्राप्त हुआ है, जिसमें कांसे को गलाकर उसके विभिन्न प्रकार के उपकरण या आभूषण बनाए जाते थे। नग्न पुरुष का धड़ और शवाधान R-37 के अवशेष प्राप्त हुए। R-37 एक कोड है जो कि हड़प्पा में शवाधान के संदर्भ में लिया गया है। मृतकों का अंतिम संस्कार किले के दक्षिणी भाग में किया जाता था और मृतकों को प्राय गाड़ा जाता था। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा की प्रमुख देन रही है, यानी कि हिंदू धर्म में जो स्वास्तिक चिन्ह का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है, उसका सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा संस्कृति में ही किया गया था। मुहरों पर एक सिंह वाले पशु का अंकन सर्वाधिक है। इससे पता लगता है कि वहाँ के लोग एक सिंह वाले इस पशु को पूजनीय मानते थे और इसी के कारण उन्होंने इसका प्रयोग मुहरों पर किया था। दूसरा जो प्रमुख स्थल है वो है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो सन 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा खोजा गया, तब इसे नखलस्थान कहा जाता था और ये वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदाड़ो भी पाकिस्तान में है और सिंध प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर ये जगह है सिंधु घाटी सभ्यता की, वो वहाँ पर स्थित है। इसकी क्या खास बात है, मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है मृतकों का टीला। यहाँ से बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ है। एक मृतकी की कांस्य की मूर्ति जिसके जूड़ों पीछे बना हुआ है जूड़ा और वो डांस कर रही है। विशाल अन्नागार अन्न का भंडार जो होता है वो प्राप्त हुआ है और विशाल सभा भवन, यानी कि सार्वजनिक निर्णय लेने, सार्वजनिक घोषणाएं करने के हेतु जो विशाल सभा भवन होता था वो भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके बाद में आता है सुदकांगेडोर। सुदकांगेडोर इसकी खोज की गई थी 1923 में और खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था आरएल स्टीन। तो आरएल स्टीन ने सुदकांगेडोर की खोज सन 1923 में की और ये भी वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, जो कि दाशक नदी के तट पर बसा हुआ है। सुदकांगेडोर दाशक नदी के तट पर है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक प्रांत में है। जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, बलूचिस्तान एक स्वतंत्र हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। पाकिस्तान ने उसे अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है और बलूचिस्तान के नागरिक दशकों से अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयासरत हैं। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में दाशक नदी के तट पर सुदकांगेडोर नामक स्थान, जिसकी खोज और सीन ने सन 1923 में की थी, सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा प्रमुख नगर है। यहाँ पर जॉर्ज डेल्स ने 1965 में सिंधु नगर, दुर्ग और बंदरगाह का पता लगाया था, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ के लोग बेबीलोन से व्यापार करते थे, तो बेबीलोन और सुदकांगेडोर के बीच में व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। चहुंदड़ो की खोज गोपाल मजुमदार द्वारा सन 1931 में की गई, ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और जो कि सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ था। यहाँ के लोग कुशल कारीगर थे, मोहरे बनाने वाली धातुओं के हथियार यहाँ पर मिले हैं, यानी कि जिन हथियारों की, जिन उपकरणों की सहायता से मोहरे बनाई जाती थी, वे धातु के उपकरण या हथियार यहाँ पर पाए गए हैं। कालीबंगा की खोज बीके थापर और बीवी लाल के द्वारा सन 1961 में की गई थी और ये वर्तमान में राजस्थान, भारत के राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर बसा हुआ क्षेत्र था।
यहाँ विश्व के जोते हुए खेत के सबसे प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं और एक साथ यानी एक वर्ष में या फिर एक साथ दो फसलें बोने के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। यहाँ उत्खनन में निचली सतह से पूर्व सिंधु सभ्यता और ऊपरी सतह से सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी कि ये जो स्थान है कालीबंगा नामक स्थान, यहाँ पर खुदाई की जो नीचे की सतह है वहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारंभिक काल और ऊपरी सतह से सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का काल, दोनों की अलग अलग बातें पता लगी हैं। पूर्व में 1953 में अमलानंद घोष ने इसका पता लगाया था, लेकिन तब किन्हीं कारणों से इसकी विस्तृत जांच नहीं हो पाई थी, तो 1961 में पुनः बी बी लाल और बी के थापर जी ने इसकी विस्तृत खोज की। अगला शहर है रंगपुर। रंगपुर की खोज 1953-54 ईस्वी में की गई और एस आर राव जी के द्वारा इसकी खोज की गई। ये वर्तमान में भारत गणराज्य के गुजरात राज्य में अहमदाबाद क्षेत्र में काठियावाड़ नामक स्थान पर है। यहाँ पूर्व सिंधु सभ्यता के लोग निवास करते थे। यह मादर नदी के तट पर बसा हुआ क्षेत्र था। पूर्व सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो रंगपुर नामक स्थान पर मुख्य रूप से निवास करते थे। कोटदिजी, कोटदिजी की खोज सन 1953 में की गई और फजल अहमद नामक व्यक्ति ने इसकी खोज की। ये सिंध प्रांत में खेरपुग नामक स्थान पर सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है, ये भी वर्तमान में पाकिस्तान पर है। यहाँ पर मकानों में कच्ची ईंटों और नींव में पत्थरों के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि आज उत्तर भारत में इसी शैली के कुछ का अधिकांश जो घरों का निर्माण है वो इसी तरह से होता है, नींव में पत्थरों का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद में कच्ची के स्थान पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता है। तो जबकि कोटदिजी नामक जो जगह थी जिसकी खोज 1953 में फजल अहमद के द्वारा की गई, वहाँ पर नीम में पत्थर और मकान की बनावट में कच्ची ईंटों का प्रयोग मिलता है। रोपड़ की खोज 1953 ईस्वी में ही यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा की गई और ये पंजाब में रोपड़ जिले में सतलज नदी के किनारे बसा हुआ क्षेत्र था। मानव के साथ कुत्ते दफन करने का साक्ष्य मिला है, इससे पता लगता है कि वहाँ के लोग पशु प्रेमी थे और कुत्ता जैसा कि जानते एक वफादार जानवर होता है, तो कुत्ते से प्रेम के कारण हो सकता है कि उन्हें भी मानव के साथ अपनाया जाने लगा हो। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है और इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। लोथल की खोज 1957 ईस्वी में की गई एस आर राव जी के द्वारा और ये वर्तमान में अहमदाबाद गुजरात में भोगवा नदी के तट पर है। लोथल भोगवा नदी के तट पर है जो वर्तमान में अहमदाबाद गुजरात भारत गणराज्य में है। यहाँ पर एक गोदीवाड़ा को इंग्लिश में कहते हैं डॉकयार्ड के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो ये साबित करता है कि साबरमती और भोगवा नदी के संगम पर स्थित ये प्रसिद्ध बंदरगाह था। डॉकयार्ड बंदरगाह को कहते हैं जहाँ पर जहाज़ों से माल उतारा और लादा जाता है, तो ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लोथल में। उसे विश्व का सबसे प्राचीन बंदरगाह भी माना गया है। यहाँ से मन के बनाने का कारखाना, धान, फारस की मोहर आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ अग्निकुंड प्राप्त हुआ है जिससे पता लगता है कि यहाँ के लोग अग्नि पूजक थे। अगला शहर है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर की खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा की गई। ये वर्तमान में मेरठ उत्तर प्रदेश भारत गणराज्य में हिंडन नदी के तट पर बसा हुआ क्षेत्र था। मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तनों पर मोर और गिलहरी की चित्रकारी है, यानी कि मोर और गिलहरी उस समय पर भी थे और उनका प्रमुख स्थान था, इसलिए सुंदरता की दृष्टि से भी लोगों ने मिट्टी के बर्तनों पर मोर और गिलहरी की चित्रकारी की हुई थी। अगला स्थान है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा 1964 ईस्वी में खोजा गया। कच्छ भुज गुजरात में वर्तमान स्थिति इसकी है और यहाँ पर घोड़े की स्थितियाँ, जैसा कि पहले हमने पढ़ा था कि घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन बाद में 1964 ईस्वी में सुरकोटड़ा नामक जगह जो थी वो भी जो वर्तमान में भुज कच्छ गुजरात में है, वहाँ पर घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं और तराजू का पड़ला भी वहाँ से मिला है। दूसरा शहर है बनवाली। बनवाली की खोज सन 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट जी के द्वारा की गई, जो कि हिसार हरियाणा में सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ क्षेत्र था। यहाँ पूर्व सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता
पूर्व सिंधु सभ्यता का मतलब होता है सिंधु सभ्यता से प्रारंभिक काल, और सिंधु सभ्यता दोनों के ही अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्खनन में यहाँ से हल्की आकृति के खिलौने, जौ, तिल व सरसों का ढेर प्राप्त हुआ है, यानी छोटे आकार के हल प्राप्त हुए हैं, जिनको समझा गया है कि हल्के आकार के खिलौने हैं। जौ, तिल और सरसों के ढेर यहाँ से मिले हैं। धोलावीरा, धोलावीरा की खोज सन 1990 में की गई और डॉक्टर आर एस विस्ट, रविंद्र सिंह विस्ट जी के द्वारा इसकी खोज की गई, और ये भी गुजरात के कच्छ जिले में वर्तमान में है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है धोलावीरा, इसे ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मिला है धोलावीरा, जो कि वर्तमान में गुजरात के कच्छ जिले में है। हड़प्पा के अन्य नगरों की भांति धोलावीरा दो खंडों में विभाजित ना होकर तीन खंडों में विभाजित था। अन्य नगर दो खंडों में विभाजित थे, किला और पूर्व का खुला प्रदेश, लेकिन ये तीन खंडों में बटा हुआ है, जिसमें दो किले अंदर और तीसरा भाग किले के बाहर स्थित है, यानी कि परकोटे के अंदर दो किले होते थे और तीसरा भाग किले के बाहर स्थित होता था। बालाकोट 1963 से 1976 ईस्वी के बीच में इसकी खोज की गई और जे एफ डेल्स के द्वारा इसकी खोज की गई, और ये क्योंकि स्वतंत्रता के बाद में पाकिस्तान में की गई, तो जे एफ डेल्स नामक व्यक्ति ने कराची के पास दिंदार नदी के तट पर, आज़ादी के बाद जो पाकिस्तान में उनमें पहली खोज संभवता है। यहाँ पर अधिकांश इमारतें कच्ची मिट्टी की बनी हुई थी, जबकि सभी नालियाँ पक्की ईंटों से बनी हुई है, यानी घर बनाने में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, और स्वच्छता की दृष्टि से जागरूक होने के कारण शायद वहाँ के लोग नाली में पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, नाली बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। अल्लाह दिनों जो जगह है वो WA फेयर सर्विस नाम के व्यक्ति ने कराची के पास सिंधु नदी के तट पर खोज की, इसका समय ज्ञात नहीं है, लेकिन इसकी खोज वहीं पर की गई थी, कराची के पास सिंधु नदी के तट पर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। यह हड़प्पा सभ्यता काल की पकी हुई ईंटों का एक बड़ा कुआं मिला है, यानी कि एक कुआं का पता लगा है जिसके निर्माण में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया था, और सभी ईंटें हड़प्पा काल की थी। राखीगढ़ी, सूरजभान नामक व्यक्ति ने इसकी खोज की, और ये जींद जिला हरियाणा, यानी हरियाणा का जो जींद जिला है वहाँ पर ये वर्तमान में स्थित है। यहाँ पर तांबे के उपकरण, हड़प्पा लिपि की युक्त मुद्रा, भारत में खोजा गया सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का स्थल है राखीगढ़ी, जो कि वर्तमान में जींद हरियाणा में है। धोलावीरा भी सबसे बड़ा स्थल है, जो कि हड़प्पा का संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है, लेकिन सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी, जो कि जींद जिला हरियाणा में पड़ता है, और ये भारत में खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है और संभवतः सबसे नवीन स्थल। तो दोस्तों, पिछले लगातार सीरीज वाइज वीडियो में पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड और ये लास्ट पार्ट फोर्थ में हमने सिंधु घाटी सभ्यता की बेसिक जानकारी ली। आप अन्य जानकारियाँ विभिन्न किताबों के माध्यम से ले सकते हैं, NCERT की किताबों में भी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार से बताया गया है, और इसके साथ ही आप यूट्यूब पर अन्य लोगों के द्वारा जो वीडियोस डाले गए हैं उनकी भी सहायता ले सकते हैं। और भारतीय होने के नाते प्रत्येक भारतीय को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सिंधु घाटी सभ्यता से आवश्यक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, और मानव इतिहास का सबसे प्रारंभिक बिंदु होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करना आवश्यक है। आप और वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम निरंतर इसी प्रकार से और भी बेहतर तरीके से आपको वीडियोस उपलब्ध कराते रहेंगे। आपके सुझावों का स्वागत रहेगा। धन्यवाद।